हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको ओपन वाटर कोर्स के बारे में बताऊंगी जो मैंने अभी रिसेंटली किया है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि स्कूबा डाइविंग का ओपन वाटर कोर्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए एंड क्या है उसमें, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। मैं आपको फर्स्ट डे से लेके जाऊंगी कि थ्योरी पार्ट कैसा है और पूल डाइव्स कैसी होती हैं और ओशन डाइव्स कैसे होते हैं। सो या आर यू एक्साइटेड? लेट्स गो। तो सबसे पहली बात कि आप कहाँ से कोर्स करोगे, तो दो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड मतलब वो हैं इसके लिए, स्कूबा डाइविंग के लिए। एक है पैडी और एक है SSI। तो आप कोई भी से भी कर सकते हो। मैंने पैडी से किया है। इन लोग का फ़ायदा ये होता है कि ये मतलब इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं, तो अगर आप इनका सर्टिफिकेशन कहीं पर भी दिखाओगे तो वो आपको करने देंगे डाइविंग, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं करेंगे। विच इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप स्कूबा डाइविंग सीख रहे हो तो आप पैडी या फिर SSI से ही सीखें। बेसिकली पैडी जो है वो शॉर्ट फॉर्म है प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ डाइविंग इंस्ट्रक्टर्स। तो मतलब बेसिकली इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर सर्टिफाइड टू एक्चुअली टीच अदर्स। तो इनके पास बहुत सारे लेवल्स ऑफ स्कूबा डाइविंग होते हैं, मैं उनमें नहीं घुसूंगी क्योंकि दैट्स टू मच एंड आई डोंट थिंक सो अभी आपको उसकी ज़रूरत है अगर आप ओपन वाटर का सोच रहे हो तो, फ्यूचर की बात है। बट येस, एंड जो SSI होता है वो है स्कूबा स्कूल्स इंटरनेशनल। तो दीज बोथ आर गुड। तो आप कोई पे भी चूज़ कर सकते हो। मैंने पैडी चूज़ किया था। तो येस, अब मैं बताती हूँ आपको ओपन वाटर में क्या होता है, बेसिकली कितने दिन का होता है एंड ऑल दी अदर डिटेल्स। सो लेट्स गो टू दैट। अब हम कोटाओ पहुँच चुके हैं। यहाँ पे फेरी स्टैंड है, यहाँ पे पिकअप ऑलरेडी था मेरा स्कूबा डाइविंग कोर्स के साथ, क्योंकि पूरा स्टे मेरे यूनिक का साथ है। और आपको यहाँ पे 20 हाथ देना होगा वो पीयर एडमिटेंस और उनका के लिए मेंटेनेंस के लिए बेसिकली। तो या अब बस जो होटल है वहाँ पे पहुँचना है, जो फॉर्मेलिटीज होंगी वो थोड़ी कंप्लीट करनी होंगी, उसके बाद हम अपना रूम देख सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ गैरी का। आई थिंक गैरी आएंगे, जिनसे मेरी बात हुई थी, या फिर समवन एल्स हु विल बी हैंडलिंग इट। ये है सिंपल डाइवर्स लाइफ डाइवर्स का ऑफिस, बाय द वे, अगर आपको जनरल डाइव्स के लिए आना है तो। लेट्स सी क्या होता है। सो डे वन में उन्होंने मुझसे काफ़ी फॉर्म्स फिल कराए, एक तो लायबिलिटी, नॉन डिस्क्लोजर और इन सब के फॉर्म्स, कि अगर कुछ भी होता है मुझे डाइविंग पे तो वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो आपको हर बार कहीं पे भी आप डाइविंग करने जाओगे तो वो आपको साइन कराएंगे ही, ताकि वो अपने आप को किसी भी लॉ सूट से बचा सके। सो वो करना होगा आपको, एंड अपनी सारी डिटेल्स फिल करने के बाद ही आपका कोर्स स्टार्ट होगा। तो ये सब फिल कर देना है, वहाँ पे मुश्किल से 15 मिनट लगता है, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। सो मैंने सारे फॉर्म साइन कर दिए हैं, अब फिगर आउट कर रहे हैं कि मेरा एकोमोडेशन कौन से वाले में है, उसके बाद हम रूम में जाएंगे और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। थिंक इट्स वन ऑफ दोस 0456, दैट्स द वन, दैट्स द बंगलो गाइस। लेट्स हैव अ टूर। ये है व्यू, मस्त दिख रहा है, ये हमारा बंगलो। सो दिस इज द बंगलो गाइस। अब अंदर जाके देखते हैं क्या है। अभी 11 बज रहा है तो मैंने मुझे कीज दे दिया है। सामान मेरा अभी ऊपर ही है, मैंने सोचा पहले देख लूँ कि किधर है, खोल के रख लूँ, देन विल गो एंड गेट द स्टफ। सो लेट्स सी। माय बैड। ओके, द रूम्स नाइस, खुशबू भी सही है, मतलब बदबू तो नहीं आ रही। टीवी भी है नाइस। सो सबसे पहली बात, ओपन वाटर कोर्स। ओपन वाटर कोर्स क्या होता है बेसिकली, अगर आप सर्टिफाइड डाइवर नहीं हो तो आप मैक्सिमम 12 मीटर तक ही डाइव कर सकते हो, वो भी इंस्ट्रक्टर के साथ कंपलसरी है। अगर लेकिन आपने ओपन वाटर किया है तो आप फिर 18 मीटर्स तक आप ड्राइव कर सकते हो रिक्रिएशनली, ठीक है। उसके आगे अगर आपको और डीप जाना है 30 मीटर्स तक, तो उसके लिए एडवांस करना होता है, जिसके बारे में आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी। तो हाँ, तो सबसे मेन चीज़ ये है ओपन वाटर की, आप 18 मीटर्स तक डाइव कर सकते हो कहीं पे भी इन द वर्ल्ड, ठीक है। एंड इंस्ट्रक्टर के साथ करना है कि डाइव बडी के साथ करना है, दैट डिपेंड्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, क्योंकि ये थोड़ा कंट्री के बेसिस पे होता है, उनके लोकल रूल्स अप्लाई होते हैं। बट येस, वही बात है कि आप लेकिन 12 मीटर से नीचे जा पाओगे, तो
दैट्स द फर्स्ट थिंग टू नो अबाउट ओपन वाटर कोर्स. तो फर्स्ट थिंग टू नो इज के जो कोर्स है उसके दो पार्ट्स हैं मेनली, या फिर आप तीन पार्ट्स भी कह सकते हो. एक तो होता है थ्योरी पार्ट, जो आपको वीडियोस देखनी होंगी. आपको चार पांच वीडियोस दी जाएंगी ओपन वाटर के कोर्स के लिए, जो आपको देखनी होंगी. उसके बाद नॉलेज रिव्यू क्वेश्चंस होंगे, वो करने होंगे. और उसके बाद थ्योरी जब आप कंप्लीट करोगे तो एक क्विज भी होता है, एग्जाम होता है बेसिकली. अगर आपने वो पास कर लिया, 75% पासिंग मार्क्स होता है, तो आप सर्टिफाइड स्कूबा डाइवर बन सकते हो. अगर आप फेल होते हो एग्जाम में तो कोई बात नहीं है, आप एक बार और ट्राई कर सकते हो. और अगर आप दूसरी बार भी फेल होते हो तो फिर आपको दोबारा मतलब सारे प्रैक्टिकल्स करने होंगे, और फिर दोबारा आप उसके बाद ट्राई कर सकते हो. उसके बाद मतलब इंस्ट्रक्टर पर डिपेंड करेगा लेकिन. तो हाँ, एंड थ्योरी के अलावा प्रैक्टिकल होता है जो दो चीज़ में डिवाइड होता है. एक होता है कन्फाइंड डाइव सेशंस और एक होता है ओपन वाटर डाइव सेशंस. तो कन्फाइंड डाइव सेशन बेसिकली अगर आपका कोई पूल में हो गया या फिर छोटे से लेक में हो गया, वैसा चीज़ होती है. डिपेंड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. कहीं बोलो मोस्ट ऑफ दी जगह वो पूल्स में करते हैं, कहीं कहीं अगर लेक होता है पॉन्ड होता है तो उसमें भी कर देते हैं. एंड ओपन वाटर इज ऑफ कोर्स ओशन. ओशन में आपको डाइव्स कराएंगे. तो बेसिकली चार डाइव्स आपकी ओशन डाइव्स होती हैं. एंड पूल सेशंस में मतलब कन्फाइंड डाइव्स में वो चाहे तो आपका एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं या फिर दो दिन ले सकते हैं. दैट्स अप टू देम एंड अप टू योर अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटीज बेसिकली. सो गाइस, मेरा नॉलेज रिव्यू खत्म हो चुका है. आज होगा कन्फाइंड पूल सेशन. दैट्स द पूल बाय द वे. जो उस साइड वाला है वो नॉर्मल पूल है, और जो इस साइड वाला है वो डाइविंग पूल है. पहले वो थोड़ा नॉर्मल स्विमिंग पूल में कराएंगे, उसके बाद डाइविंग पूल में कराएंगे. तो जो भी हमने सीखा है वो आज प्रैक्टिकल यूज़ में आएगा. एंड वंस मतलब अगर इंस्ट्रक्टर को लगेगा हम कॉन्फिडेंट हैं, उसके बाद ही ओपन वाटर डाइव होंगी. तो वन थिंग टू रिमेम्बर इज़ कि आपको इसके लिए 200 मीटर स्विमिंग दिखाना होगा विदाउट एनी एड, या फिर 300 मीटर विद स्नॉर्कल एंड मास्क. एंड उसके अलावा आपको 10 मिनट के लिए फ्लोट करना होगा. मैं बहुत नर्वस हूँ क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो चुका है स्विमिंग किए हुए, तो आई जस्ट होप मैं कर पाऊँ. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. तो दिस इज माय डाइविंग स्कूल. सो मैं एक्साइटेड में थोड़ा जल्दी आ गई. एनीवे इट्स फाइन. 15-20 मिनट वेट करना है. दैट्स ओके, दैट्स फाइन विद मी. Let's hope you're able to clear today. So this is the classroom guys. अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ पे आके ऑप्शन ले सकते हो पढ़ने का. Let me show you. ये रही क्लासरूम. सो बेसिकली वो यहाँ पे वीडियोस चलाती हैं, एंड वीडियोस आप एक बार देख लोगे, उसके बाद आप नॉलेज रिव्यू करते हो. उसके बाद शी मतलब डिपेंड्स फ्रॉम लाइक इंस्ट्रक्टर टू इंस्ट्रक्टर, बट दिस वन शी सेड कि वो क्विज देती हैं, और मतलब सॉर्ट ऑफ सो दैट यू आर एबल टू क्लियर द एग्ज़ाम बेटर. तो हाँ, अभी ये थोड़ा कंप्लीट होगा तो उसके बाद वो मेरा पूल सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहले वो चेक करेंगे कि मैं स्विम कर पाती हूँ कि नहीं, एंड फ्लोट कर पाती हूँ कि नहीं. होपफुली दोनों हो जाना चाहिए. एंड देन शी विल टीच मी अदर थिंग्स. बेसिकली वीडियो में पढ़ा था, बट वही होता है ना, एक बार प्रैक्टिकल इज डिफरेंट देन थ्योरी. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो एक्साइटेड फॉर दिस. सो दीज आर द क्विज़ेस दैट यू हैव टू डू. सो दैट्स माय क्विज गाइस. 5-6 आंसर रॉन्ग हुए हैं 40 में से, विच इज़ फाइन आई गेस. दिस इज द इक्विपमेंट रूम. Or maybe an extra small. Yeah, they're all a bit ripped, so don't worry too much about that. Let's see, this looks like that's my friends, guys. So, ये सब मेरा सामान है basically, जो I'll be using for the dive. So yeah. Just as a piece of advice, because you'll see it on the boat as well. If the cap is off, it means it's an empty tank, so you can just leave it like that. So we are just gonna grab one of these full ones. Okay. This means that the tank is full, so we can take this one off and then we can have a better look at the tank. Now it will there will be a couple of numbers. Inspection needs to happen at least बेसिकली अगले आधे घंटे तक मुझे वो बता रही थी कि कैसे सेटअप करना है अपना स्कूबा गेयर, जिसमें BCD सिलेंडर और रेगुलेटर सब कुछ होता है, कहाँ कैसे फिट करना है और क्या हमेशा ध्यान रखना है जब आप टेस्ट कर रहे हो अपना इक्विपमेंट, क्योंकि टेस्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी डाइव से पहले. तो प्लीज़ ये वाला पार्ट पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा जब आप अपना कोर्स कर रहे हो, क्योंकि इसके बिना आप बहुत ही मतलब डेंजरस सिचुएशन में हो सकते हो.
Yeah, and so can you already hear the air releasing? And I always tell people, air always travels up. Sometimes I see people diving and they're holding the hose here and they're pushing the button and nothing happens. Well, yeah, because the air is in here when it goes up. It's not going to make its way down and travel up. So always make sure that they're not entangled in there. And yes, this is also not very good. Going to the pool now. Okay, pool session start over. And because my friend put a sprain, so they're helping me with this part. But now you have to carry your tank yourself. But yeah, let's go and see. So guys, finally एक सेशन ख़त्म, मतलब एक पूरा कैफे सेशन ख़त्म है. बेसिकली आज में ही पूरा कन्फाइन टाइप्स ख़त्म हो जाएंगे. तो अभी थोड़ा तो हुआ है, थोड़ा सा आई एम अ लिटिल बिट मोर कम्फर्टेबल इन द पूल ना. उन्होंने स्विमिंग टेस्ट नहीं किया अभी तक, वो एंड में होगा, अभी नहीं होगा. तो एंड फ्लोट करने का तो वो देखना पड़ेगा कैसे करूँगी मैं फ्लोट, क्योंकि मैं वो BCD के साथ ही उल्टा ऐसा घूम रही थी बार बार. तो आई डोंट नो मैं विदाउट उसके तो कैसे फ्लोट करूँगी, होपफुली कर लूँ. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. बाकी सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट अभी तक है मास्क फिल होने वाला, क्योंकि उसमें सडनली आप कैसे नाक में लगता है कि पानी जा रहा है, तो इट बिकम्स अ लिटिल अनकम्फर्टेबल. और नाक के अंदर पानी ज़्यादा है तो बहुत मुश्किल भी होता है फिर उसको ब्लो आउट करना. तो लेट्स होप अभी 2 बजे से दोबारा सेशन स्टार्ट होगा. अभी थोड़ा ब्रेक है 2 घंटे का, तो अभी मैं खाने जाती हूँ, मैं देखती हूँ क्या करना है. तो यस, लेट्स कीप गोइंग ऑन. आज होपफुली आज मेरा कन्फाइंड डाइव ख़त्म हो जाना चाहिए. तो लेट्स सी कितना टाइम लगेगा, नो आइडिया. दिस इज़ मी बेसिकली डूइंग द स्विम टेस्ट एंड इसके साथ सारा ख़त्म हो गया था. सो आई एम ऑल सेट फॉर द डाइव. अब मैं जा रही हूँ अपना इक्विपमेंट लेने और वहाँ पे शेली का वेट करने. तो So after that's done, we'll go back upstairs and I'll give you guys a little briefing about what we'll be doing. The first one would be the buoyancy check. You remember that one where we go into the deep pool? You breathe in, you hold your breath, you fully deflate your BCD and you should be floating at eye level just to make sure you are properly weighted. So so we're going for the boat now. वहाँ से हमें जो भी अवेलेबल टाइगर साइड होगी वहाँ पर लेके जाएंगे, क्योंकि जनरली डिसाइड करते हैं बट फिर वेदर पे भी डिपेंड करता है एंड हाउ मेनी पीपल आर एट द साइड. अगर ऑलरेडी बहुत सारी बोट्स होंगी तो वो चेंज कर देंगे, विच इज़ फाइन. सो हाँ, सामान लेके जा रहे हैं ऑलरेडी. गैस वगैरह जो हमारा टैंक है वो सब तो खुद पहुँच गया है और रेगुलेटर भी. सो दिस इज़ बेसिकली द स्टफ विच विल बी वेयरिंग. या एक्साइटेड फॉर टुडे. दैट्स द बोट. How much did you have in your tank? 180. Yeah, also I use 180 as an example. You always want to use the one who has the least amount of air in your tank, because obviously she's going to be the one who runs out of air first. Dive sides are actually, this is the dive side guys, now we are going. So see you in another 1 hour, bye! ओवर गाइस, बहुत अमेजिंग था. थोड़ी फटी क्योंकि ऑब्वियसली कूल वाटर और ओशन वाटर का अलग होता है. इट वाज अ गुड, मतलब कुछ गड़बड़ नहीं हुआ. तो आई पास्ड ऑल द टेस्ट. तो अब हम जा रहे हैं दूसरी डाइव साइट पे. वी गो बैक डाउन, सो फोकस ऑन दैट वन. कीप किकिंग. आई हिट द सरफेस. आई एम स्टिल किकिंग. Blow it up until you feel like you can come to me and lay on your back. No worries, those aren't here. So we are done with the dives today. Ab hum wapas jaate hain. So idhar sab dhulta hai. Take a dive. Back
और मेरे दो डाइव्स हो गए हैं. मैंने मोस्टली सारे स्किल्स कर लिए, मतलब स्किल्स का तो इशू नहीं है, इट्स जस्ट बीइंग कंफर्टेबल इन द वाटर बिकॉज आई हैवन बीन स्विमिंग इन द ओशन एवर. ऑनेस्टली स्पीकिंग स्विमिंग तो मैं पता नहीं बस सीखने के वक्त की थी, ऐसे नहीं की थी. तो हाँ, वन टिप विच आई विल डेफिनेटली गिव यू इसके अपनी स्विमिंग ठीक करके आइएगा अगर आपको स्कूबा डाइविंग के लिए आना है, बिकॉज यू नीड टू बी एबल टू नो हाउ टू स्विम लाइक बोथ इन द पूल एंड द ओशन. सो दैट्स लाइक अ मस्ट. तो लेट्स सी, उन्होंने बोला है कि कल डाइव्स के बाद पता चलेगा. अगर मतलब मैं फिर भी कंफर्टेबल नहीं हुई ओशन में तो मे बी एक दिन या दो दिन और लेके और डाइव्स करके उसके बाद दे सर्टिफाई मी इफ आई पास द एग्जाम टुमारो. एग्जाम कल सुबह 9 बजे है. Cool. तो या तो फिर अगर कल हो जाता है तो गुड इनफ, फिर मैं कल ओपन वाटर सर्टिफाइड होंगी. अगर कल नहीं होता है तो फिर एक दो दिन और लेंगे. एंड इन द मीन वाइल आई एम सपोज टू लाइक इम्प्रूव माई स्विमिंग स्किल्स. तो मैं कल से स्विमिंग जाने वाली हूँ ओशन में. बिग डील फॉर मी क्योंकि मेरी पट्टी है. तो लेट्स सी. और अगर स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को यहाँ पे मिलता है तो आई विल प्रॉब्ली डू दैट एज वेल, सो दैट आई एम मोर कम्फर्टेबल विदाउट द स्नॉर्कल मास्क एंड फिन्स ऑल्सो. तो सी, बाकी तो बहुत ही अमेजिंग था. बहुत सारे कलरफुल फिशेज और कोरल्स थे. अगर मैं ठीक रही 4th dive तक तो आई विल टेक माई GoPro एंड शो यू, वरना तो फिर अभी तो बहुत टाइम बचा है. सो या नाउ बैक टू द रूम. सो अब मैं जाने वाली हूँ, थोड़ा नहा लूँगी, सी वाटर को हटाऊँगी. तो यस. हे गाइस, तो आज मेरा एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम. अब मैं वहीं पे जा रही हूँ, होपफुली पास हो जाए. सो प्रे फॉर द बेस्ट. सो गाइस, फाइनली मेरा फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है एंड आई पास्ड. और मुझे 15 मिनट ही लगे एग्ज़ाम करने में क्योंकि क्वेश्चन सिंपल ही थे एंड आई मीन दे वॉज द सेम एज द नॉलेज रिव्यू ऑन द क्विजेस बेसिकली, तो कुछ अलग नहीं था. और हाँ, मेरे 4 क्वेश्चन रॉन्ग हुए, 2 तो क्योंकि थोड़ा पिक्चर जो था वो क्लियर नहीं था, बट एनीवे ठीक है, जो भी है दैट वाज माय फॉल्ट. सो या बट देन आई स्टिल स्कोर्ड अबव 90%, सो आई एम हैप्पी. अब मेरे बचे हैं 2 डाइव्स बेसिकली बिफोर आई गेट सर्टिफाइड. इन केस मेरा 2 डाइव्स में नहीं होता तो फिर मे बी 1-2 डाइव्स और होगा. विल सी हाउ इट गोज टुडे. तो यस, अभी टाइम हो रहा है 9:30 बज रहा है और 12 बजे हम दोबारा टाइप्स के लिए जाएंगे. तो तब लेट्स सी क्या होता है. तो गाइस, ये हमारा डे 2 है ओपन टाइप्स का. आज 2 और होंगी. Playing again with the equalizing. Yeah, I can tell the second time down with that. So, the dive khatam hua, bahut hi amazing tha. Mera weight is bar sahi tha, to I had fun. Maybe this weekend pe mera complete ho gaya course, then we can have some more fun. Done with the 4 dives, guys, but जैसे मैं बोल रहा था, मेरे को स्विमिंग बहुत अच्छे से आता नहीं है, तो अभी मैं 2-3 दिन स्विमिंग करूँगी एंड इसके बाद शैली जो मेरी इंस्ट्रक्टर है वो मुझे एक और डाइव पे लेके जाएंगी, मतलब 1 घंटे का पूल सेशन और उसके बाद डाइव पे. और यस, मुझे अब बस मास्क क्लियरिंग करना है और हवर वाला स्किल करना है एंड देन आई विल बी सर्टिफाइड. सो यस, बट आज का बहुत अमेजिंग था, मतलब आई फेल सो कम्फर्टेबल इन द वाटर और या इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस. हम 16 meters तक गए थे आज. That's Shelly, our instructor, and this is Larissa. She's doing with me. The crazy Germans are everywhere. They are. Hey guys, ये मेरा last day है open water dive का. Super excited. आज 2 dives होंगी और कुछ कम skills ही बचे हैं. 2 skills करने हैं. एक तो mask removal और एक hover skill करना है. तो वो first dive में हो जाएगा और second dive basically fun dive है. So gonna be a nice day. So excited for it. And after this, I'll be open water diver. So let's go. So dive 3 ho gaya. Ab last dive and then I'll be open water.
So guys, I finally completed open water. Now you're looking at the open water certified scuba diver. और अब मैं जा रही हूँ अपना मास्क लेने. अभी थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ बची हैं, पेमेंट और बाकी सब चीज़ें, तो वो सब कंप्लीट होते ही मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा लगेगा आपका सर्टिफिकेशन. सो जो कॉस्ट है वो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है. जैसे जहाँ पे थाईलैंड में मैंने देखा है कि कॉस्ट अराउंड 19,000-20,000 INR, एंड उसमें वो लोग काफ़ी जो ड्राइविंग स्कूल हैं एटलीस्ट कोटाओ वाले वो स्टे भी इंक्लूड करके देते हैं, विच इज़ अ प्रेटी गुड डील. क्योंकि अगर मैं इंडिया का देखूँ तो काफ़ी जगह पे स्टार्टिंग ही 20,000 से होती है, एंड मतलब वो भी बहुत ही कम ऑप्शन होते हैं, एंड उसमें स्टे तो इंक्लूडेड होता ही नहीं. अगर आप अंडमान या लक्षद्वीप जैसी जगह में करोगे तो ऑब्वियसली आपको 30,000-35,000 तक तो पड़ ही जाएगा ईजिली. ठीक है, विच इज़ वाई आई फील थाईलैंड इज़ अ वेरी गुड प्लेस फॉर लर्निंग स्कूबा डाइविंग. अगर आपको बजट में करना है तो दिस इज़ अ नाइस प्लेस. मैं सिंपल लाइफ डाइवर्स के साथ कर रही हूँ एंड दे आर रियली रियली गुड. मतलब सारे इंस्ट्रक्टर बहुत अच्छे हैं. मेरी इंस्ट्रक्टर शैली हैं वो तो बहुत ही अच्छी हैं. तो हाँ, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप यहाँ से कर सकते हो. अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है स्कूबा डाइविंग में तो दे हैव लाइक वेरी अमेजिंग पैकेजेस. एक मंथ का पैकेज है या फिर डाइव मास्टर का पैकेज है, तो ये सब आप ले सकते हो. मैंने एक मंथ का पैकेज लिया है विच इज़ वेरी रीजनेबल, क्योंकि इसमें इट कॉस्ट मी 58,000 बाद विच इज़ बेसिकली अराउंड 1,20,000. बट इसमें मेरा स्टे इंक्लूडेड है और इसमें मेरे 6 स्कूबा डाइविंग कोर्सेज इंक्लूडेड हैं, विच इंक्लूड्स माई ओपन वाटर एडवांस्ड रेस्क्यू कोर्स एंड देन 3 स्पेशलिटीज विच इज़ नाइट रॉक्स, डीप डाइविंग एंड रेक डाइविंग. तो अगर आप बहुत सीरियस हो डाइविंग को लेके तो दिस इज़ द बेस्ट डील यू विल गेट. ठीक है, क्योंकि अगर आप अलग से करोगे तो जनरली मैं आपको इंडिया का बताती हूँ, इंडिया में अगर आप ओपन वाटर एडवांस कर रहे हो तो आपको 45,000 के अराउंड लग जाएगा इजीली, 45 या 50 के अराउंड, एंड दैट्स विदाउट द स्टे. उसके बाद अगर आप उसके ऑन टॉप ये स्पेशलिटीज़ करोगे तो वो फिर हर स्पेशलिटी का वो अराउंड हमको 10,000 से ज़्यादा ही चार्ज होगा वैसे. हाँ, 15,000-20,000 तो चार्ज कर ही लेंगे वो हर उसका. तो आप समझ लो 60,000 दैट एंड देन 45,000, तो 1,05,000 तो ऐसे ही पड़ गया आपको. एंड देन उसके बाद रेस्क्यू अगर आप कर रहे हो तो अगेन दैट वुड बी अनदर 20,000. तो 1,25,000 तो बस डाइविंग का ही कोर्स है, एंड उसमें आपका स्टे भी इंक्लूडेड नहीं होगा. यहाँ पे ये कोर्सेज तो इंक्लूडेड हैं, स्टे भी इंक्लूडेड है, एंड यू कैन गो फॉर फन डाइव. मतलब क्योंकि जो सारे कोर्सेज हैं वो सिर्फ 15 दिन लगेंगे उसमें कंप्लीट करने में, मतलब 12 से 15 दिन, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है. तो आपके पास रेस्ट ऑफ द 15 डेज हैं जब आप फन डाइव करने जा सकते हो, और उसका भी कॉस्ट इंक्लूडेड है इसी प्राइस में, एंड इक्विपमेंट रेंटल का भी कॉस्ट इसमें इंक्लूडेड है. तो इट्स लाइक एन अमेजिंग डील ऑनेस्टली. तो यस, अगर आपको करना है तो कर सकते हो. वन मोर थिंग, अगर आपको थोड़ा टाइम सेव करना है तो देर इज़ दिस ऑप्शन ऑफ ई लर्निंग. इसमें क्या कर सकते हो आप कि आप घर पे जब हो आप ये पूरा नॉलेज रिव्यू कर लो, वीडियोस देख लो, नॉलेज रिव्यू कर लो, एंड अगर आपके पास में कोई पार्टी का शॉप है तो आप वहाँ पे अपने कन्फाइंड डाइव सेशंस भी कर सकते हो. उसके बाद आप जब कोई लोकेशन में जाओगे तो वहाँ पे आप सिर्फ ओपन वाटर डाइव्स करके अपना सर्टिफिकेशन ले सकते हो. तो इससे बेसिकली आपके 2 दिन बच जाएंगे अगर आपको बचाने हैं. तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, आप चेकआउट कर सकते हो जहाँ पे भी आप सोच रहे हो कि मुझे थाईलैंड में करना है, इंडोनेशिया में करना है, जहाँ पे भी करना है आपको कोर्स, आप उनसे बात कर लो और वो आपको ये ऑप्शन दे देंगे. तो दिस इज़ अ नाइस ऑप्शन. सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको कब से आपको आपने ओपन वाटर किया है कि नहीं किया है, आपको करने का मन है कि नहीं है. तो यस, ऑल दीज थिंग्स कमेंट. बाय.